हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इला। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ की विस्तार बुक का लेसन द टाइगर किंग की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो आज के पांच क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ वाज द क्राउन प्रिंस ब्रॉट अप। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड द टाइगर किंग से अबाउट सेल्फ डिफेंस। क्वेश्चन नंबर थ्री, What was the proclamation issued by the Maharaj? Question number 4, why did the British officer want to kill a tiger? Question number 5 hai, how did the Maharaja manage to retain his kingdom? अब हम इन questions के answers discuss करेंगे, जिसमें question number 1 है, how was the crown prince brought up? इसका मतलब है राजकुमार का पालन पोषण कैसे हुआ था? इसका आंसर है क्राउन प्रिंस ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। ही वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नानी एंड वाज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। ही सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। इसका मतलब है युवराज दिन प्रतिदिन लंबा और ताकतवर होता चला गया। वह अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, उसे एक अंग्रेजी दाई ने पाला था और एक अंग्रेज द्वारा अंग्रेजी की शिक्षा दी गई थी। उसने अंग्रेजी फिल्मों के सिवाय कुछ नहीं देखा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द टाइगर किंग से अबाउट सेल्फ डिफेंस। इसका मतलब है टाइगर किंग ने आत्मरक्षा के बारे में क्या कहा था। इसका आंसर है द काउ इज़ अ होली एनिमल एंड मस्ट नॉट बी किल्ड एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस। फॉर द टाइगर किंग इट मीन्स दैट इफ किलिंग अ काउ इन सेल्फ डिफेंस वॉज नो सिन, देयर कुड बी नो हार्म इन किलिंग अ टाइगर। इसका मतलब होगा गाय एक पवित्र जानवर है और आत्मरक्षा के अलावा नहीं मारी जानी चाहिए। बाघ राजा का अर्थ था कि अगर आत्मरक्षा में गाय को मारना पाप नहीं है तो बाघ को मारने में भी कोई नुकसान नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द प्रोक्लेमेशन इशूड बाय द महाराजा। इसका मतलब है महाराजा द्वारा जारी की गई घोषणा क्या थी। इसका आंसर है बच्चों द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा करना। द प्रोक्लेमेशन वॉज मेड दैट इफ एनी वन इवन हु डेयर्ड टू थ्रो अ स्टोन एट अ टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड यानी जब्त करना। तो इसका मतलब है बच्चों यह घोषणा की गई कि अगर कोई भी बाघ पर पत्थर फेंकने की हिम्मत करता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, Why did the British officer want to kill a tiger? इसका मतलब है अंग्रेज अधिकारी बाघ को क्यों मारना चाहता था। इसका आंसर है द ब्रिटिश ऑफिसर वॉन्टेड टू हैव द ऑनर ऑफ हैविंग किल अ टाइगर इन इंडिया। इन फैक्ट ही वॉज नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन द एक्चुअल किलिंग एज इज इन हैविंग अ फोटोग्राफ विद द डेड एनिमल। का मतलब होगा ब्रिटिश अधिकारी भारत में बाघ मारने का सम्मान पाना चाहता था, असलियत में वह बाघ को मारने से ज़्यादा मरे हुए बाघ के साथ फ़ोटो खिंचवाने में रुचि रखता था। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। इसका मतलब है महाराजा अपने राज्य को किस प्रकार बचा पाने में सफल हुए। इसका उत्तर है द महाराजा हैड टू प्लीज द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। द महाराजा सेंड 50 डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। शी एक्सेप्टेड द होल लॉट। द महाराजा लॉस 3 लाख ऑफ रुपीज बट मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। इसका मतलब है बच्चों महाराजा को उच्च अधिकारी ब्रिटिश ऑफिस अफसर को खुश करना था। महाराज ने अलग अलग डिज़ाइन की हीरो की 50 अंगूठियाँ ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को भेजी, उसने सभी रख ली।
महाराज ने 3 लाख रुपए खोए परंतु अपना राज्य बचा लिया। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज की वर्कशीट के आंसर्स आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।